हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिशन मेकर सेल्फी। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अभी मैं जस्ट कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था और वो कमेंट्स में कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिनको मैं अगर टाइप करता तो रिप्लाई नहीं कर पाता, मीन्स थोड़े बड़े टाइप करने पड़ते। और तो फिर मेरे को याद आया कि यार क्यों ना हम एक वीडियो के माध्यम से ही मैं आपके कमेंट्स का आंसर कर सकूं। ठीक है, उसे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा, प्लस आपको सही तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं कुछ कमेंट्स लिया हूँ और वैसे तो बहुत से कमेंट्स थे, ठीक है, तो उसमें से कुछ कमेंट्स मैंने चूज किए हैं। अगर आपको ये Q&A सेक्शन अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी कोशिश करूंगा इसको बनाने का। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक अभी Q&A बनाया नहीं है और मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ ऑनलाइन, आप पूछ लेते हो जो पूछना होता है 10:30 पे। मैं एक बार चेक करके देखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, उसके मैं आंसर करता हूँ एक एक करके। तो गाइस एक मिनट वेट करना, पहले मैंने कमेंट को स्क्रीनशॉट लिया है, स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहले मैंने कमेंट पढ़ा था आशीष चौबे का, इनका क्वेश्चन है गाइस कि सर डिजाइन इंजीनियर की जॉब ऑफिस वर्क होता है ना, जैसे स्टेट प्रो एंड ऑटोकैड जॉब। करेक्ट, ऑफकोर्स ब्रदर, जब डिजाइन इंजीनियर की जॉब आप कर रहे हो, यानी चाहे आप डिजाइन में मॉडुलर टर्म में बोलो या स्ट्रक्चरल टर्म में बोलो, मीन्स मॉडुलर मतलब चाहे आप काम कर रहे हो रैबिट मॉडलिंग पे या फिर आप स्ट्रक्चरल टर्म यानी स्टेट प्रो या ईटैप पे काम कर रहे हो, दोनों प्रोफाइल में से किसी भी प्रोफाइल पर अगर आप काम कर रहे हो, ये सारे के सारे ऑफिस जॉब है। ठीक है, और एक्चुअल में जो लाइफ है वो ऑफिस जॉब में ही है। ठीक है, और साइट के जॉब में आप स्टार्टिंग के कुछ महीने तक तो करोगे, उसके बाद आप बोर होने लगोगे। आप में से कई लोग मुझे कॉल करते हो, बोलते हो सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है साइट पर, ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मैनेज करना है, अभी मैं लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत से प्रॉब्लम्स आती है जो साइट पर होते हैं। प्लस जिसने साइट पर काम कर लिया होगा उसको अच्छे से पता होगा कि कुछ दिन तक काम करने के बाद सब कुछ पता चल जाता है, महीनों का भी काम नहीं रह जाता लर्निंग के लिए, मीन्स वहां पर लर्निंग आपकी फिनिश हो जाती है। अगर आप केवल एक डोमेन के साइट पर खड़े हो तो एक महीने दो महीने आप सब कुछ सीख जाते हो। इसीलिए तो वहां पर एक लड़का खड़ा रहता है जो कि 12th पास है, वो भी वही काम कर रहा है, तो फिर हम इंजीनियर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी वहां पर? तो हम इंजीनियर्स की जो वैल्यू रहती है वहां पर तब रहती है जब आप डिजाइन के थ्रू अपने करियर की स्टार्टिंग करते हो, यानी चाहे ऑटोकैड से आप करते हो, फिर या रैबिट से करते हो, स्केचअप से करते हो, स्टेट प्रो से करते हो, ईटैप से करते हो, आरसीडीसी से करते हो। ये सब क्या हो गए, व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है, आराम से आप बैठे हो और अच्छी तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो लैपटॉप पे बैठ के और आपको अच्छे खासे इनकम हो जा रही है उससे। इसमें दोस्तों बहुत से ग्रोथ के अलग अलग सेक्टर्स भी हैं, लाइक अगर हम बात करें कि इसमें आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो ऑनलाइन आप बहुत से प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप काम कर सकते हो, प्लस ऑफलाइन इतनी ढेर सारी कंपनियाँ हैं, US बेस्ड कंपनियाँ, पुणे में, मुंबई में, गुड़गांव में, बैंगलोर में US बेस्ड कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आप मॉडलिंग की स्ट्रक्चर की जॉब आप आराम से कर सकते हो। तो प्रीफर करो कि आप थोड़ा सा समझो कि साइट इंजीनियरिंग ही केवल सिविल इंजीनियरिंग नहीं होता है, साइट इंजीनियरिंग एक डोमेन है सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको आगे के लाइफ में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि आप वहां पर खड़े खड़े कब तक जॉब करोगे। तो अब ही समय है, अगर आप कर सकते हो तो मूव ऑन कर लो तो बेटर रहेगा, नहीं बाद में आपको सोचना पड़ेगा। मैं दूसरा लिख लेता हूँ, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर आनंद कुमार की। यार मैंने एक चीज देखा है कि आप सब लोग लैपटॉप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये लैपटॉप लूँ कि ये लैपटॉप लूँ, और एक्चुअल में मैंने लैपटॉप के रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, लेकिन आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मुझे लैपटॉप का क्वेश्चन एक बार फिर से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। वैसे अभी जो क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, 512 SSD इनफ फॉर सिविल इंजीनियर्स। हाँ, 512 SSD, आपको ये मेरा जीता जागता एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये मेरा 512 SSD क्या बोलते हैं इसके अंदर है, इसके अंदर SSD नहीं है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो SSD है इसके अंदर। ठीक है, SSD अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, SSD से स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें मैं जितने हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं सब इसमें चलाता हूँ, और 512 GB है, और साथ ही साथ इसमें 16 GB रैम है और 8 GB ग्राफिक्स कार्ड है, तो अगर ये आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हो तो बेटर रहेगा। चलिए, रविंद्र पूछ रहे हैं कि रविंद्र बोल रहे हैं भाई रैबिट MEP का वीडियो बनाओ। ओके, ठीक है, देखो रैबिट MEP का वीडियो बनाने को बता दूं, बट एक वीडियो से कुछ होगा नहीं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ नहीं पाओगे। आप unixsimil.com पे जाओ, मिस्को से 1000 rupees समथिंग का आपको कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट सीरीज। ठीक है, होता क्या है, YouTube पे एक प्रॉब्लम होती है, आप एक वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए, सपोज मैं कुछ टॉपिक ले लिया अभी ये पर बनाऊंगा, फिर आपके कमेंट आने लगते हैं सर ये बनाओ, सर ये बनाओ, सर ये बताओ, तो कोई भी इंसान होगा एक बार दो बार उसका बोलेगा चलो अच्छा ये बनाते हैं, फिर ये बनाते हैं, तो मूव ऑन होने लगता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अच्छे से, अगर कंप्लीट रैबिट के वीडियो चाहते हो तो वीडियो कोर्स unixsimil.com पे मैंने 1000 rupees का और 1500 ऐसे मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, कुछ भी ज़्यादा चार्ज नहीं, जितना सर्वर का चार्ज होता है, थोड़ा बहुत जो भी GST वगैरह का चार्ज होता है उस पर हम मिला के कर देते हैं।
तो एक इनका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद सर यू रिमूव्ड मी फ्रॉम 00 बोल रहे हैं कि सर यू रिमूव फॉर मी इन यूनिक सिविल स्ट्रक्चर व्हाट्सएप ग्रुप। अरे नहीं भाई, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। इसने मुझे एक बार पहले बोला था कि यू आर माई लेजेंड, अब ऐसे लोगों को मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ। आपको केवल नहीं मैंने रिमूव किया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रिमूव किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। अब पता नहीं आपके साथ हुआ कि नहीं, मेरे जितने प्रीवियस चैट थे, कुछ चैट तो बहुत ज़रूरी भी थे, ठीक, जितने प्रीवियस चैट थे सारे के सारे चैट व्हाट्सएप ने रिमूव कर दिए ऑटोमेटिक। न मेरे से पूछा, न कुछ किया, और सारे चैट रिमूव कर दिया। किसको कंप्लेन करें? तो इस तरीके से मुझे लगा कि अगर अचानक से ग्रुप से रिमूव हो जाएगा, ग्रुप का सारे डाटा लीक हो जाएंगे, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप रिमूव कर दिए। आप लोग भी करो, जिससे कि व्हाट्सएप को भी समझ आ जाए कि ज़्यादा पगलती करेगा तो इंडिया में उसका बिजनेस चलेगा नहीं। भीम को शेड्यूलिंग बिल्डिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप रेविट के थ्रू एस्टिमेशन कर सकते हैं। रेविट स्ट्रक्चर में, मतलब कि रेविट का जो एस्टिमेशन वाला पार्ट है, उसके अंदर स्ट्रक्चर टर्म मतलब BVS वगैरह का भी आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। प्लस आप ब्रिक, कॉलम, ब्रिक, सैंड, सीमेंट, इन सब की भी क्वान्टिटी निकाल सकते हो आराम से रेविट शेड्यूलिंग के अंदर, ठीक है जी। कनिष्क शर्मा जी ने बोला ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मुकेश बोल रहे हैं कि ग्रेट वे टू एक्सप्लेन, कुल मिला के तारीफ है, ठीक है। तारीफ वैसे आप लोग की बहुत आती है, थैंक यू सो मच गाइस। एक्चुअली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ, ठीक है। अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचूँ कि कोर्स खत्म करना है, ये सोच के देखूँ कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ बन जाएगी इस चीज़ को अगर मैं पढ़ा दूँ तो। कभी कभी मैं सिलेबस के बाहर चला जाता हूँ, ये नहीं देखता कि एक महीना हो गया, कि दो महीना हो गया, कि तीन महीना हो गया, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका करियर बनेगा क्या, ठीक है। और डेफिनेटली उसके थ्रू बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होता है और आपका करियर भी डेवलप हो जाता है। और मेरा हमेशा से यही रहा कि आप मेरे से सीखते क्यों? किसी एक बिलीफ की वजह से ना आप पैसे स्पेंड करते हो, तो मैं उस बिलीफ को आप पे कायम रखना चाहता हूँ कि नहीं यार, अपन पे बिलीव करता है बंदा, तो इसको 100% दो, जितना मेरे को आता है मैं पूरा देने की कोशिश करता हूँ। ओके, लाजिम अली बोल रहे हैं कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 3ds Max बेनिफिट रहेगा क्या? बिल्कुल, डिप्लोमा हो तो आपके लिए सिविल 3ds Max बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके थ्रू आप मॉडलिंग अच्छे अच्छे कर सकते हो, अच्छे अच्छे रेंडर कर सकते हो, उससे आपकी एक साइड इनकम जनरेट होने लगेगी। लाजिम अली, अभी से आप चाहो तो अभी से 3ds Max सीख लो, अच्छे अच्छे मॉडल बनाओ, कुछ अपने आर्किटेक्ट से कॉन्टेक्ट कर लो, उनको अपना मॉडल दिखाओ, तुरंत आपको दे देंगे कि भाई इसको करके दिखाओ, बेहतरीन रेंडर करके दे दो, क्लाइंट आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, आशीष चौबे बोल रहे हैं कि आई नीड टू टॉक विद यू, आई एम फेसिंग रश डे इन माई लाइफ। ओके, होता है थोड़ा लोग, सब लोग प्रॉब्लम होते हैं अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि आशीष आपके हो रहा है, केवल मैं हो रहा हूँ, हर कोई होता है। तो अब देखो क्या होता है कि पर्सनली मैं कॉल पे तो कितना बात किससे कर पाऊंगा, तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है कि मैं मंडे टू फ्राइडे डेली इवनिंग में 10:30 to 11, ठीक है, डेली इवनिंग में 10:30 to 11 ऑनलाइन आता हूँ। आप वहाँ पे आ जाओ, नीचे लिंक दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, उस लिंक से आप ऑनलाइन आ जाओ। आप यानी चाहे जितने लोग हैं, जिसको भी बात करना है, आप वहाँ पर आ सकते हो और आप बारह मंजिले से बात कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि आप कॉल पे अगर मैं बात करने लगूंगा तो आपको भी पता है कि मेरा टाइम पूरा का पूरा फिक्स है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो अपना शेड्यूलिंग इधर उधर हो जाता है। सो बेटर कि आप 10:30 पर आ जाओ ऑनलाइन, आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सलीम पासा बोल रहे हैं कि सर हाउ टू अप्लाई लोड कॉम्बिनेशन इन स्टैट प्रो में लोड कॉम्बिनेशन कैसे लगाते हैं? काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात तो ये समझो कि लोड कॉम्बिनेशन को लगाते क्यों हैं, ठीक है। तो लोड कॉम्बिनेशन को इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाए। क्या मिल जाए? बेहतरीन। उसमें जब हमने अर्थक्वेक को भी और डेड को भी दोनों को इंक्लूड किया तो क्या रिस्पॉन्स आया, डेड और लाइव को इंक्लूड किया तो क्या रिस्पॉन्स आया, तो सारे फैक्टर्स से चेक करना, दैट इज कॉल्ड लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। ये लोड कॉम्बिनेशन आप स्टैट प्रो के अंदर लोड केस डिटेल्स, जो आपका ऑप्शन रहता है लोड केस डिटेल्स, उस पर जाओगे तो वहाँ पर ऑटो लोड कॉम्बिनेशन और जनरेट बाय योरसेल्फ ऑल्सो, मतलब आप खुद से भी लोड कॉम्बिनेशन बना सकते हो और ऑटो लोड जनरेटर का भी ऑप्शन वहाँ पर है, उसके अंदर से आप लोड जनरेट करके लगा सकते हो। सलीम, चलिए जी, और एक क्वेश्चन लेता हूँ। माइंड सेट क्या लिखा है इन्होंने, माइंड सेट प्रोग्रामिंग, क्या बात है, एक मिनट यार थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, माइंड सेट प्रोग्रामिंग इन्होंने लिखा हुआ है कि सर मैंने ड्राफ्ट में सिविल
से ITI किया हुआ है, BIM के लिए एलिजिबल हो क्या? एक्चुअली आपको BIM पे जॉब तो नहीं मिलेगी, तो आप इसमें पैसे अभी मत इन्वेस्ट करो माइंडसेट प्रोग्रामिंग जी, ठीक है, तो पता नहीं नाम क्या है, तो आप इसमें पैसे मत डालो। बेटर कि आप पहले डिप्लोमा कर लो, क्योंकि बिना डिप्लोमा के आपको बी में एंट्री कोई नहीं देगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट डिप्लोमा की होती है, और इसको आप सीख के आप प्रैक्टिकली खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्ट लेके आप कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू डू द जॉब, तो क्या होता है कि कंपनी को भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक नॉलेज चाहिए होती बंदे के अंदर, तो वो समझते हैं कि ड्राफ्टिंग का एटलीस्ट आपने अगर कर रखा है रेविट सॉरी डिप्लोमा वगैरह तो बेटर रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्लीट वीडियो, ओके, रेविट स्ट्रक्चर का कंप्लीट वीडियो मैंने उस पर unixsibil.com पर रख दिया है, इन्होंने बोला हुआ है, बाबूजी बोले हैं, बाबूजी मतलब बाबू मतलब बाबू सोना वाला बाबू नहीं, ठीक है, तो इन्होंने बोला है रेविट स्ट्रक्चर कंप्लीट वीडियो मैंने unixsibil.com पर रख दिया है, 1400 समथिंग का है, तो आप वहाँ से जाके आराम से ले सकते हो। पूरा सीरीज मैंने बहुत डिटेल में विद एक्सटेंशन ऑटोमेटिक रेन्फोर्समेंट कैसे लगाते हैं, ऑटोमेटिक कनेक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ बता रखा है उस पर। आनंद कुमार, इनका थोड़ा सा बड़ा मैसेज है, आई एम योर सब्सक्राइबर, ओके, आई नीड हेल्प सजेशन, आई एम फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, प्लीज सजेस्ट मी लैपटॉप इन बजट। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो मेरा हो, कि लैपटॉप पे मैं फुल डिटेल वीडियो बना के आपको दिखा देता हूं कि लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए आपको। वैसे मैंने कई बताए हुए हैं, बट अभी भी कोई लोग डाउट रहते हैं, तो चलो एक बार और क्लियर करेंगे। इन्होंने बोला हुआ है, अंसारी जी ने बोला हुआ है कि एक्सीलेंट सर, आई वॉन्ट टू लर्न RCDC सॉफ्टवेयर, ओके, RCDC सॉफ्टवेयर का मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो कोर्स बना दूँ, 500 रुपीज़ में कर देता हूँ, एकदम छोटा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता RCDC में, उसके से 7-8 लेक्चर 10 लेक्चर होंगे, और एक रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। आप क्या बोलते हो, आपको ऐसा लगता है? देखो मैं करने को मैं फ्री में भी कर दूँ, बट क्या होता है फ्री की वैल्यू की कोई कंटेंट नहीं, मतलब वैल्यू नहीं रह जाती है कंटेंट की, ना ही कोई वॉच करता है, ना ही उसको कोई देखता है, मतलब 10-5% लोगों छोड़ दो, तो आप ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ तक देख रहे हैं, कुछ लोगों ने वीडियो को क्लिक किया होगा तो पहले ही नमस्ते बोल गए होंगे, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है ही नहीं, वो क्वालिटी ही नहीं है कि यहाँ तक जज कर सके, यहाँ तक चीज़ों को समझ सके, ठीक है, तो ये जो पेशेंस लेवल है लोगों का खत्म होता चला जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं क्या करूँगा कि 500 रुपीज़ में या 400 जो भी आप बोलोगे उस प्राइस में, मैं आपके लिए पूरा RCDC कम्प्लीट वीडियो कोर्स बना के दे दूंगा, ओके। यहाँ पर अभय प्रकाश बोल रहे हैं कि सर टुडे यू विल टेक द सेशन इन इवनिंग, हाँ जी मैं डेली इवनिंग की स्टार्ट करके सेशन जो होता है मैं डेली इवनिंग में लेता हूँ, और कितने बजे टाइमिंग है उसका, टाइमिंग है 6 to 7:30 इवनिंग में, 6 to 7:30 स्टार्ट को और RCDC दोनों का। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, वैसे तो और भी बहुत हैं बट अभी इतना ही लूंगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप और कमेंट करिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसे Q&A सेशन हमारे होते रहें तो आप और कमेंट करते रहो, मैं उन कमेंट्स को उठा के यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा, और इससे फायदा ये होगा कि देखो क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं टाइप करता तो बहुत शॉर्ट में टाइप करना पड़ता बिकॉज ऑफ टाइम इशू, तो बेटर कि हम इसको वीडियो के माध्यम से जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हैं और पूरा एक्सप्लेन कर पाते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको यार लाइक ठोक देना, ठीक है, उसके बाद और अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके अपने 2-4-10 मित्रों को ऐसे शेयर कर देना, थोड़ा वो भी परेशान हो जाए क्या भेज दिया यार इसने, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा परेशान कर देना, और अच्छा लगे तो फिर फेसबुक उस पर डाल देना। चलिए मजाक कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप चाहते हो कि Q&A सेशन हमारा हो, और साथ ही साथ आप क्या लगता है कि unixsibil के सर के द्वारा अगर ये चीज़ किया जाए तो और अच्छा रहेगा, तो ऐसे सजेशन भी आप अपने दिया गया, क्योंकि आप सब अपने ही हो, ठीक है, अपने ही भाई बहन हो और अपने सिविल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लोग हो यार, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, तो अपने ही घर के लोग हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर ये करो आप तो ज़्यादा बेटर होगा, इन द सेंस कि सर इस पे वीडियो बनाओ, सर ये करो, तो आपके सजेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और डेफिनेटली मैं देखते हो आप लोग, मैं मैक्सिमम फॉलो करता हूँ कि आपके जो भी सजेशन है उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ किसी न किसी माध्यम से। चलिए जय हिंद जय भारत, और अभी एक वीडियो आएगा आकाश पांडे ब्लॉग वाले चैनल पर, जाके उसको भी थोड़ा सा प्यार और दे देना अगर आपका मन करे तो। चलिए बंद करता हूँ वीडियो, थैंक यू।